हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो में अपने गोदरेज इंटीरियर के स्टील किचन का टूर कराया था जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे कि ये आपने गोदरेज इंटीरियर का स्टील किचन कितने में लगवाया, कैसे लगवाया और कितने दिन लगे आपको ये किचन सेटअप कराने के लिए। ऑलरेडी उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है और ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने लाइव अपने स्टील किचन का रिव्यू किया था और आपको दिखाया था कि गोदरेज इंटीरियर का स्टील किचन आपको लकड़ी वाले किचन से सस्ता भी पड़ता है और स्टील एक ऐसी चीज़ है जो ओवर द ईयर्स कभी ख़राब नहीं होगी, कभी दीमक नहीं लगेगा। आप लोग गोदरेज को तो जानते ही होंगे, इनकी जो क्वालिटी है और साथ में जो सर्विस है वो इतनी बेहतर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत सारी काम की बातें बताते हैं। अगर आप गोदरेज इंटीरियर का स्टील किचन या गोदरेज का किचन सेटअप कराने की सोच रहे हैं तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और आपके यहाँ पे किचन भी लग जाएगा और साथ में कुछ काम की इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे जिससे आप ज़्यादा पैसे भी नहीं देंगे और आप ठगी से बच जाएंगे। सबसे पहली बात, जब भी आपको गोदरेज का किचन लगवाना होगा तो आपको आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जो गोदरेज के ऑथराइज्ड डीलर हैं वहाँ तक आपको पहुँचना होगा। तो आप कैसे पहुंचेंगे? बहुत सिंपल है। गोदरेज ने इस समस्या से निपटने के लिए और फ्रॉड को रोकने के लिए अपनी ही वेबसाइट पे या ऑफिशियल वेबसाइट पे डीलर्स लोकेटर का एक पेज बना के रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको सिंपली वहां पे जाना है, अपना पिन कोड इंसर्ट करना है और पिन कोड इंसर्ट करने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि गोदरेज 3 डिफरेंट सेक्शन में डील करता है। पहला है फर्नीचर, दूसरा है मैट्रेसेस और तीसरा है किचन। तो आपको किचन सिलेक्ट करना है क्योंकि इस वीडियो में बात किचन की हो रही है। तो जैसे ही आप किचन सिलेक्ट करेंगे तो उस पिन कोड पे या आपके सिटी में जितने भी गोदरेज के ऑथराइज्ड डीलर होंगे किचन के लिए वो सारे दिखाई देंगे और सिंपली आपको करना ये है कि उन डीलर में से जो आपके यहाँ नज़दीक हो आप उसके पास चले जाओ या जो भी डीलर आपको अच्छा लगे आप उसके पास चले जाओ। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो ये आता है कि एक बार आपने डीलर से मुलाकात कर ली, अब वो डीलर क्या करेगा कि आपके घर पे जहाँ पे किचन सेटअप होना है वहाँ पे गोदरेज के डिजाइन एक्सपर्ट को भेजेगा, जो उनके ही लोग होते हैं। वो आपके यहाँ पे आएंगे, आपके किचन का मेजरमेंट करेंगे, वो किसी भी शेप में हो, एल हो, यू हो, राउंडेड हो, जैसा भी आपका किचन होगा वो उसी हिसाब से उसको देखेंगे, सारा कुछ मेजरमेंट करेंगे, आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सी ट्रॉली आपको कितनी लगानी, कहाँ कहाँ लगानी, ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछ लेंगे और आपकी भी ब्रीफिंग वो कर लेंगे। उसके बाद वो चले जाते हैं और आराम से अपने कंप्यूटर पे बैठ के आपके किचन का एक डिजाइन बनाते हैं कि हमारा किचन सेटअप होने के बाद ये कैसा दिखने वाला है। साथ में आपका किचन का कलर क्या होगा, जो आप स्टील किचन या जो भी किचन सेटअप कर रहे हैं उसमें जो भी गेट्स या लॉक्स लग रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी, कौन सा कलर, ये सारी चीजें वो आपसे पहले ही पूछ लेते हैं। उसके बाद आपको कोटेशन दिया जाता है। कोटेशन मिलने के बाद आपको देखना होगा कि आपको वो डिजाइन पसंद आ रही है नहीं आ रही है, वो लुक पसंद में आ रहा है कि नहीं, या जो कंपार्टमेंट्स या कंपोनेंट्स उसमें दिखाए जा रहे हैं उनको आप एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद वो आप जब भी चेंज कराएंगे एक नया प्रपोजल आपके सामने आ जाएगा और जब प्रपोजल फाइनल हो जाए या डिजाइन या कोटेशन फाइनल हो जाए तो फिर आपको कुछ लमसम अमाउंट पेमेंट करना होता है। जर्नली ये देखा गया है कि वो आपसे 50,000 रुपए की डिमांड करते हैं, जो पैसे आप ऑनलाइन कार्ड के थ्रू वहां पे जमा कराएंगे और वो तुरंत आपको एक फॉर्म देते हैं जिसमें वो सारी चीजें मेंशन होती हैं कि आपने हमको 50,000 रुपए दिए हैं किचन के लिए, ये किचन की इतनी कॉस्टिंग है, ये सारी चीजें करेंगे। और जिस समय वो आपसे एडवांस पैसे ले रहे होंगे उसके जस्ट पहले आपको फाइनल करना होता है कि ये किचन कितने प्राइस में होने वाला है या कितना पैसा लगने वाला है।
मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने डिजाइन पहले फाइनल कर ली है तो उनके पास हर एक कंपार्टमेंट या मॉड्यूल का कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो पहले से अपने पास कैलकुलेट करके रखते हैं कि टोटल कितना पैसा आपके किचन में लगेगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा होशियार हो जाना है। जितना वो लिख के रखते हैं वो MRP बेस होता है। और मैं आपको बता दूं, मैंने खुद किचन सेटअप कराया है। अगर आप अच्छे तरीके से बार्गेनिंग करना जानते हैं या अच्छे तरीके से डील करना जानते हैं, तो आप 25-30% जो उसका MRP है उससे डिस्काउंट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा ट्राई करेंगे तो जो इनका MRP है ना, उससे 30% कम में आपका किचन फाइनल हो जाएगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उस डीलर से आपकी कितनी जान पहचान है और कैसा आप उससे डील कर रहे हैं। जैसे ही अमाउंट फाइनल होता है, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं, जो मैंने स्टील किचन सेटअप कराया है, चूंकि वो प्योर स्टील का है, उसमें मैंने 1,98,000 रुपए के आसपास गोदरेज इंटीरियर को पे किए थे। याद रखिएगा, जो किचन आपके यहाँ पे लगता है उसमें चिमनी शामिल नहीं होती है और उसमें किचन टॉप शामिल नहीं होता है। वो टॉप आपको खुद ही बनवाना होता है या आप इनसे भी बनवा सकते हैं, उसका पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। अब है क्या कि आपने सब कुछ फाइनल कर दिया, आपने लमसम 50,000 रुपए एडवांस भी दे दिए, देन आपका किचन प्रोडक्शन में चला जाता है। एक बात आपको यहाँ पे मैं और एड ऑन कर दूं कि गोदरेज सिर्फ स्टील के ही किचन नहीं बनाता है। गोदरेज के पास 4 तरीके के किचन अवेलेबल हैं, जिसमें पहला स्टील सेफ है, जो आप जानते ही हैं कि सारे इंडिया में लोग वही यूज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में स्टील किचन की बहुत ज्यादा डिमांड है। दूसरा इनके पास ओक है, जो कि लकड़ी का है। तीसरा जो वेरिएशन है इनके पास, वो रिलिस है। और चौथा है रेगाले। ये जितने भी स्टील के बाद वाले किचन है ना, इसमें लकड़ी के हैं, ये वुड्स के बने हुए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें वुड्स की लगाई गई हैं। तो अगर आपको लकड़ी का किचन नहीं बनाना है तो आप स्टील वाला ही सिलेक्ट करें, क्योंकि इंडिया में इनका स्टील वाला किचन बहुत चलता है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि इंडिया में दीमक की प्रॉब्लम, मॉइस्चर की प्रॉब्लम, गर्मी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, जिसमें वुड जो है वो कुछ सालों बाद खराब होने लगता है। तो इनका जो मेजर जो किचन्स बहुत ज़्यादा सेल होता है वो स्टील वाला ही होता है। बाकी लोग भी, बाकी किचन्स भी परचेज करते हैं, इवन वो आपको स्टील से कॉस्टली पड़ेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये किचन महंगा पड़ेगा, आपके जो कारपेंटर आपके घर पे किचन बना के जाते हैं, तो आप गलत हैं। उसमें आप इससे ज़्यादा पैसे देने वाले हैं। और वो जो लोकल कारपेंटर्स होते हैं, उनका काम भी लोकल होता है, वो हाथ से करते हैं, वो फिनिश नहीं आ पाती है और कई बार वो आपको फंसा देते हैं। 4 दिन यहाँ काम करेंगे, 4 दिन कहीं और काम करेंगे, 4 दिन छुट्टी मार जाएंगे, आपका काम बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए वहां सब में ना जा करके आप किसी बड़ी कंपनी से ही किचन बनवाएं, कम पैसे में ज्यादा अच्छा काम होगा। तो एक बार आपने अपना रेट फाइनल कर लिया, कुछ पैसे उनको एडवांस कर दीजिए, उसका आपने रिसीविंग ले लिया कि हमने आपको पैसे दे दिए, अब आपका सब कुछ तो फाइनल हो गया है। अब किचन चला जाता है प्रोडक्शन में। लगभग 30-40 दिन लगते हैं अगर आपका कोई सोर्स ना हो, या नॉर्मली 30-40 दिन लगते हैं अगर आप बहुत रिक्वेस्ट करोगे डीलर से कि बहुत जल्दी है, तो हो सकता है वो 15-20 दिन में करा दे। अदरवाइज नॉर्मली 30-40 दिन लगते हैं उस किचन को बनने में, क्योंकि वो बाहर कहीं बनता है, ज़्यादातर महाराष्ट्र मुंबई में बनता है, न्यू दिल्ली में बनता है। इस जगह पे ये इनका हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ पे वो किचन बनता है। और उसके बाद वो सारी चीज़ें फ्लैट में पैक हो करके पहले डीलर के पास में आती हैं, उसके बाद वो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर उसको आपके घर तक भिजवा देता है। और एक बार किचन आपके घर पे आएगा, लेकिन याद रखिएगा, पहले वो डीलर के पास में आता है, डीलर आपसे जो बाकी अमाउंट बचा हुआ है वो पूरा आपसे पेमेंट ले लेगा। सारी चीज़ें आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ऑफलाइन या कैश देने की ज़रूरत नहीं होती है, आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। एक बार आपने सारी पेमेंट कर दी तो जो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपका किचन आपके घर पे भेज देता है, और उसके बाद आपसे एक अपॉइंटमेंट ले लेता है कि हम अपने इंजीनियर्स को कब भेजें ये किचन आपके यहाँ लगाने के लिए। जैसे ही आप कहते हैं कि आप अगले दिन भेज दीजिए, उनके 2 से 3 लोग आते हैं और दिन भर में बहुत आसानी से पूरा किचन आपका सेटअप हो जाता है और आपका किचन रेडी टू यूज हो जाता है।
तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है गोदरेज इंटीरियो किचन का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ऑथराइज्ड डीलर के पास पहुंचना है, लगभग 25-30% आपको बार्गेनिंग करनी है उस एमआरपी के ऊपर, और उसके बाद जो डिजाइन या कलर पसंद कर रहे हैं वो अपने किचन के मॉडल के अकॉर्डिंग ही पसंद करें, जिससे उसका लुक एंड फील बना रहे। गोदरेज इंटीरियो की बहुत सारी खासियत है, उसमें जो मेजर मैं आपको बता दूं, इनके किचन में हेक्टिक के लॉक यूज होते हैं, जो सॉफ्ट क्लोज होते हैं, काफी ड्यूरेबल होते हैं, 15 साल की वारंटी होती है किचन पे। अब आप समझ सकते हैं कि 15 साल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई नट ढीला हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, एक बार आप इनको फोन करो, ये अगले दिन आके इनके इंजीनियर्स आपके यहाँ आपका किचन बना जाएंगे, उसको मेंटेन कर जाएंगे, और साथ में इनका जो सर्विस क्वालिटी है, जो एक्सेलेंसी है, वो बहुत अच्छी है। इसीलिए नो डाउट गोदरेज के टक्कर में कोई नहीं है अगर आप इनका किचन सेटअप कराते। मैं तो यूज भी कर रहा हूँ, 3 महीने से ज्यादा हो गए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक बार फिर से आपको सारी चीजें रिव्यू करके दिखा दूंगा कि 3 महीने बाद क्या चीजें हैं, कितनी बार इनके सर्विस मैन हमारे यहाँ पे आए या सर्विस एसोसिएट आए, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।